हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका सिद्धार्थ सर लाइव क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों के बहुत सारे लोगों के यानी कि डाउट आ रहे थे कि सर यानी कि प्लीज़ सर वर्ग एक का सिलेबस बता दीजिए जो कि 17,000 के समथिंग जो वैकेंसी है सर, यानी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा हो मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। तो जितना मुझे यानी कि मैंने देखो यानी कि निकाला गया है, मुझे जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली है मैं सब कुछ आपको यहाँ बताऊँगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों से लिए एक बेनिफिट और बता दूं कि यानी कि लाइव क्लास चल रही है फ्री में, हिंदी हो या फिर तुम्हारा साइंस हो या फिर तुम्हारी हिस्ट्री हो, मैथ की बिल्कुल यानी कि जीरो लेवल से लाइव क्लासेस शुरू है। तो जल्दी से लाइक बटन और तुम्हारा यानी कि सब्सक्राइब बटन पर को प्रेस कर दीजिए ताकि यानी कि आप लोग फ्री में मज़ा ले सको यानी कि लाइव क्लासेस का। चलिए मैं शुरू करता हूँ। यहाँ देखिए 50% पूछे जाएंगे और 100% जी अलग पूछे जाए। अब देखिए इनकी इसकी क्या कंडीशन रहेगी, मैं बताता हूँ। जो ये 50 नंबर के क्वेश्चन, 10 नंबर की हिंदी रहेगी, ये रीजनिंग रहेगी, 7 नंबर की सामान्य अंग्रेजी रहेगी, 8 नंबर की पेडागोजी रहेगी तुम्हारी, 15 नंबर की और सामान्य ज्ञान रहेगा तुम्हारा 10 नंबर का। कुल मिला के 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का। तो मैं बता देता हूँ ये 50 नंबर रहेंगे हर कंपलसरी, सभी के लिए कंपलसरी। अब बात की जाती है कि आप लोगों का एक कोई यानी कि सब्जेक्ट चुनना होगा जिससे आपने मास्टर डिग्री की हो। अब देख लीजिए, चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय विषय में कुल 100% पूछे जाएंगे, संबंधित विषय होंगे जिस विषय से आवेदक द्वारा आवेदन किया गया हो, ठीक है। चलिए यानी कि आप पूरी देख लीजिए, हिंदी है, हिंदी के 100 नंबर की रहेगी 100 अंक, संस्कृत 100 नंबर की रहेगी, गणित है, गणित 100 नंबर का रहेगा, जीव विज्ञान है 100 नंबर का रहेगा तुम्हारा, गृह विज्ञान 100 नंबर का, हिस्ट्री 100 नंबर की, मतलब इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। बात की जाए राजनीति शास्त्र 100 नंबर का, कृषि 100 नंबर का, अंग्रेजी मतलब कि उर्दू 100 नंबर की, भौतिक विज्ञान 100 नंबर का और ये तुम्हारा रसायन 100 का, वाणिज्य 100 का, अर्थशास्त्र 100 का, भूगोल 100 का, समाज शास्त्र 100 का। अब देखिए यानी कि ये तो हो गया तुम्हारा सिलेबस, 150 नंबर का तुम्हारा पेपर रहेगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इसमें 12वीं के समकक्ष यानी कि जितनी भी यानी कि अगर सिलेबस पूछा जाएगा वो 12वीं के संबंधित पूछा जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखिए ये बता देते हैं कि यानी कि देखो अब इसकी बात की जाए कि यानी कि सर हम क्या पढ़ें। देखिए यानी कि हिंदी में जितना भी व्याकरण है, गद्य पद्य जितना भी आप पढ़ सको डीपली सब कुछ पूछा जाएगा। ऐसी संस्कृत का जितना व्याकरण हो बाकी के उसमें यानी कि कुछ सब कुछ, गणित का यानी कि मेरी लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए यहाँ सब कुछ आपको प्राप्त होगा, और जीव विज्ञान की भी लाइव क्लास चल रही है उसे ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ सब कुछ पढ़ना होगा तुम्हें जीव विज्ञान में, ठीक है। ऐसे ही गृह विज्ञान मतलब कि जितना आप डीपली पढ़ सको 11th 12th का वो तुम्हारा सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। तो सीधी सीधी और मैं बता देता हूँ, NCERT बुक फॉलो कीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो अगर वीडियो सही लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं एक टीचर होने के कारण मैं हर किसी की कमेंट नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने इसका वीडियो बना दिया। थैंक यू दोस्तों।